नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन जेसवानी। राजनीति में आज बात महिलाओं की निशुल्क यात्रा वाली योजना पर हो रही है। राजनीति की दिल्ली को केजरीवाल सरकार ने सूबे में महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में निशुल्क यात्रा की योजना का ऐलान किया है। महिलाओं को डीटीसी और मेट्रो में फ्री राइड की सुविधा मिलेगी। दिल्ली सरकार इस योजना का खर्च उठाएगी, लेकिन दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को फ्री राइड देने की केजरीवाल सरकार की योजना का विरोध हो रहा है। विरोधियों का कहना है कि इस योजना से दिल्ली मेट्रो कंगाल हो जाएगी। दिल्ली मेट्रो के पूर्व चेयरमैन श्रीधरन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर योजना का विरोध भी किया है। श्रीधरन ने कहा कि समाज के दूसरे वर्ग भी ऐसी ही सुविधा की मांग करेंगे, इससे गलत प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर विमर्श महिलाओं की सुरक्षा और दिल्ली मेट्रो के मुनाफे पर आकर रुक गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली के लिए इस वक्त क्या अहम है, महिलाओं की सुरक्षा या मेट्रो का मुनाफा। इस मुद्दे पर हम अगले आधे घंटे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। दिल्ली की पहचान कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो अब राजनीति का मुद्दा बन गई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए निशुल्क मेट्रो राइड का ऐलान किया, उसके बाद विवाद शुरू हो गया। अब मेट्रो मैन के नाम से मशहूर रहे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पूर्व प्रमुख ई श्रीधरन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल सरकार की महिलाओं को मेट्रो में फ्री यात्रा वाली योजना का विरोध किया है। श्रीधरन ने अपनी चिट्ठी में कहा कि दिल्ली मेट्रो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का जॉइंट वेंचर है। कोई एक हिस्सेदार दिल्ली मेट्रो से जुड़ा कोई एक तरफा फैसला नहीं ले सकता है। योजना को लागू करने में 1000 करोड़ रुपए सालाना का खर्च आएगा। हर साल ये खर्च बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि मेट्रो बढ़ेगी और किराए बढ़ेंगे। समाज के एक हिस्से को रियायत देने से दूसरे हिस्सों से भी ऐसी ही मांग होगी। देश के दूसरे हिस्सों में रियायत की मांग होगी और इससे सभी मेट्रो पर असर पड़ेगा। श्रीधरन ने सुझाव दिया कि अगर केजरीवाल सरकार महिलाओं को राहत देना चाहती है तो वो महिलाओं के खाते में सीधा पैसे डाल दे। दिल्ली बीजेपी भी इस मुद्दे पर श्रीधरन का समर्थन कर रही है। मैं आज सिर्फ इतना कह सकता हूं, क्योंकि श्रीधरन जी जिन्होंने मेट्रो को लाया, उन्होंने कोई सवाल उठाया है तो निश्चित रूप से इस पे आकलन होना चाहिए। श्रीधरन को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखकर जवाब दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली मेट्रो पहले से ही नुकसान में है। मेट्रो की क्षमता 40 लाख यात्रियों की है, लेकिन फिलहाल मेट्रो में रोजाना 25 लाख यात्री ही सफर करते हैं। दिल्ली सरकार का तर्क है कि महिलाओं को मेट्रो में फ्री राइड देने से महिला सुरक्षा बढ़ेगी, मेट्रो में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और दिल्ली में ट्रैफिक भी कम होगा। दिल्ली सरकार कह रही है कि वो जब खर्च उठाने को तैयार है तो इससे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। तो इससे तो मेट्रो को खुश होना चाहिए, और ज्यादा महिलाएं चलेंगी उसमें, और ज्यादा उसकी राइडरशिप बढ़ेगी। तो जो 40 लाख की कैपेसिटी वाली मेट्रो है, जो अभी 25 लाख में चल रही है और घाटे में चल रही है, उसको फायदा होगा। मेट्रो में महिलाओं की निशुल्क यात्रा का पूरा विवाद अब मेट्रो को होने वाले घाटे पर आकर सिमट गया है। केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाने वाले दिल्ली मेट्रो को होने वाले घाटे पर फिक्रमंद है, तो केजरीवाल सरकार महिलाओं की सुरक्षा का हवाला दे रही है। ऐसे में सवाल ये है कि दिल्ली में मेट्रो का मुनाफा अहम है या महिला की सुरक्षा। सवाल ये भी है कि जब दिल्ली सरकार इस योजना का खर्च उठाने को तैयार है तो फिर योजना का विरोध क्यों हो रहा है। और बड़ा सवाल ये कि आखिर आधी आबादी को राहत देने वाले इस योजना के विरोध में राजनीतिक पार्टियों को क्या हासिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी पर चर्चा होगी, महिलाओं की फ्री राइड को लेकर। हमारे साथ चर्चा में शामिल है पूर्व आईएएस अधिकारी एसके वर्मा और साथ ही जानी मानी लेखिका सुजाता हमारे साथ जुड़ी हुई है, और बीजेपी का पक्ष रखेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर गर्ग, और आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ कोई थोड़ी देर में जुड़ जाएगा। सबसे पहले तो मैं बीजेपी के नेता नंदकिशोर गर्ग जी से जानना चाहूंगी, सर क्या टेक है आपका, महिलाओं को जो फ्री मेट्रो राइड और डीटीसी राइड दी जा रही है केजरीवाल सरकार की तरफ से, उस पर आपका, आपकी पार्टी का क्या नजरिया है? कंचन जी, दिल्ली मेट्रो के निर्माण से, मैं समझता हूँ उसके कॉन्सेप्ट से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। 1996 में डीएमआरसी का गठन किया गया था, और डीएमआरसी का गठन किया गया तो उस समय सभी अफसरों ने, मैं सरकार का हिस्सा था, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था, कहा गया था कि डेसू डीटीसी दो इतने बड़े बड़े घाटे के हैं और मेट्रो भी घाटे का सौदा होगा। 35,000 करोड़ का उस समय जो प्रोजेक्ट था, और जिसको 1998 में जिसका शिलान्यास 25 सितंबर को रखा गया था, उस समय पहले सभी ये कहते थे इसके अंदर लॉस होगा, और सबके सामने उदाहरण था कलकत्ता मेट्रो का, जो लगभग 30 साल पहले
हमसे 30 साल पहले शुरू होकर केवल 8 किलोमीटर थी और हमने टारगेट रखा था 200 किलोमीटर का। पहले दिन ये तय किया गया था कि मेट्रो अपने पैरों पर खड़ी होगी, क्योंकि जापान से कर्ज लेने की शर्त यही थी। और जब एटॉमिक हमारा धमाके किए गए मई में, जब अटल जी के टाइम 98 में, तो हमारे लोन सेंक्शन बंद हो गए थे। जायका ने हमें 2% पे ब्याज पे दिया था। क्या जो महिलाओं को आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से फ्री राइड दी जा रही है, वो उस मैं आ रहा हूँ उस बात पे, महिलाओं का ये इशू महिलाओं का नहीं है। मेरी बात सुने कंचन जी, इशू ये है कि मेट्रो जो एक सक्सेस स्टोरी बनी पूरे देश के लिए, दिल्ली मेट्रो उदाहरण बनी, इसके बाद जयपुर, कर्नाटका में बेंगलोर, चेन्नई, ये सबके अंदर आज जो प्रारंभ हुई है मेट्रो, देख रहे हैं, इसका कारण ये कि दिल्ली की सफलता के बाद उत्तर तो प्रदेश में, महिलाओं की सुजाता, क्या महिलाओं की राइड फ्री करने और से आज यदि मेट्रो को फेल करना हो जाएगी, जिस हिसाब से नंद किशोर जी कह रहे हैं, तर्क लगातार, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि आज अगर दिल्ली से जा रहे हैं वो मुझे बहुत अजीब लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत अब कोई वेलफेयर स्टेट रह नहीं गया है और सरकार कोई धन्ना सेठ है जो हम पर कृपा करेगी। वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट का मुफ्त नहीं होता है। और ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। राजेश गुप्ता जी, एक तरफ तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जो स्टेप लिया जा रहा है इसकी सराहना की जा रही है, पर एक ऐसा भी पक्ष है, मेट्रो मैन की बात की जाए, श्रीधरन ने भी पत्र लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को, पर एक ऐसा भी पक्ष है जो ऐसे एक चुनावी जुमला बता रहा है और कह रहा है कि इतनी देर से इसकी क्यों शुरुआत की गई और रोड मैप कहाँ है। पहले पार्टी रोड मैप के साथ आती है, अपने विजन के साथ आती है। आपने तो पहले हेडलाइन बटोर ली, लेकिन विजन पता नहीं है, विजन पे कंफ्यूजन है कि इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। देखिए कंचन जी, ये जिस तरीके से लोगों के दिमागों में बात डालना चाहते हैं, जिस तरीके से मेट्रोमैन श्रीधरन जी तक को इन्होंने पता नहीं क्या मिस इन्फॉर्मेशन दी, हम ऐसा नहीं है कि कोई भी बोझ मेट्रो के ऊपर डालने जा रहे हैं। हमने ये कहा है कि जो भी खर्चा आएगा उस खर्चे को दिल्ली सरकार वहन करेगी, जो एक आप कह सकते हैं एक सब्सिडी के माध्यम से। और ये बार बार कह रहे हैं कि मेट्रो बर्बाद हो जाएगी, अरे भाई मेट्रो पर बोझ थोड़ी जा रहा है। दिल्ली में जो ईमानदार सरकार है, जो दिल्ली में ईमानदारी से हम जो पैसे बचाते हैं दिल्ली के लोगों का, उसको दिल्ली की महिलाओं पे खर्च कर रहे हैं, तो इनको बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि जब भी किसी गरीब को मदद मिलती है इनको बड़ी तकलीफ होने लगती है। अगर ये कॉरपोरेट टैक्स दे दे, कॉरपोरेट टैक्स पे ये सब्सिडी देते हैं हजारों करोड़ रुपए की, कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई परेशानी नहीं होती। ये जितना मर्जी अमीरों में पैसा बांटे, अंबानी को दे दे, अंडानी को दे दे, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन एक देश की मध्यम वर्गीय महिला जो काम करने जाती है, एक गरीब की बच्ची जो पढ़ने के लिए जाती है, अगर वो जाती है और उसके 2-3 हजार रुपए महीने के दिल्ली का मुख्यमंत्री भर देता है, तो इनको बड़े पेट में दर्द होने लगता है। एसके वर्मा जी, देखिए एक तर्क ये भी दिया गया था और एक सर्वे किया गया था, आऊंगे आपके पास राजेश गुप्ता जी, एक तर्क ये भी दिया गया था कि फीमेल लिटरेसी रेट दिल्ली में 80% है, ठीक है, और फीमेल वर्क प्लेस पार्टिसिपेशन दिल्ली की अगर बात की जाए तो 11.2% है। ऐसे में अगर मेट्रो की राइड्स फ्री की जाती है तो ये एक प्रोत्साहन मिलेगा महिलाओं को घर से बाहर निकल के काम करने का, और कई सारी जो इस वक्त काम नहीं कर रही है महिलाएं वो भी शायद इसी के चलते बाहर जाएंगी और सार्वजनिक स्थलों पर उनकी और गवर्नमेंट की दर्ज होगी। बिल्कुल, ये एक इंसेंटिव है, इसको सब्सिडी से ज्यादा आप एक इंसेंटिव मानिए। मैं बिल्कुल विधायक जी की बात से सहमत हूँ कि ये एक इंसेंटिव है और एक ये मतलब मैं इसको प्रोजेंडर भी नहीं कहूँगा, लेकिन एक वेलफेयर स्कीम है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट उस खर्चे को उठाना चाहती है जो कि ट्रैवल में खर्च हो रहा है भाई महिलाओं के द्वारा, चाहे वो वर्किंग महिलाएं हैं या पढ़ने वाली स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे में मेट्रो पर तो इसका कोई असर नहीं आएगा। मेट्रो पे तो बल्कि 10-20% का इजाफा ट्रैवल में हो जाएगा और उसका रिवेन्यू हो सकता है 10-15% और बढ़ जाए। और अगर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट DTC एंड मेट्रो के दोनों के सहयोग से किसी कार्ड सिस्टम को, जैसे कि बाहर आप जाइए स्वीडन वगैरह में कहीं भी है वो कार्ड सिस्टम होता है, वो कार्ड हर जगह चलता है, तो ऐसा ही कोई कार्ड एक एवरेजिंग लेके कि भाई साल भर में एक महिला ट्रैवल पर कितना खर्च करती है, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, उसकी एक लिमिट फिक्स कर दी जाए, जैसे MPs की, MLAs की, उनकी भी लिमिट फिक्स रहती है। अच्छे से फीजिबल हो सकता है, बिल्कुल फीजिबल हो सकता है अगर सरकार इसको चाहेगी अच्छे से मेंटेन। नंदकिशोर जी, क्यों आपकी पार्टी इतने अच्छे कदम का विरोध कर रही है, क्यों नहीं आप लोग एक साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि हाँ ये केजरीवाल सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है? कंचन जी,
ये जो उदाहरण देते हैं स्वीडन का, छोटे छोटे देशों का जिनकी आबादी 2 लाख 5 लाख 50 लाख है, दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ है और दिल्ली मेट्रो जुड़ी हुई है NCR से, इनको अगर सबसे पहले स्टूडेंट्स को दें, DTC का पास अंबेडकर यूनिवर्सिटी IP यूनिवर्सिटी को DTC का पास नहीं मिलता, मेट्रो तो बहुत दूर की बात है, और आज DTC एक बस नहीं खरीदी है 4.5 साल में, मेट्रो का भट्टा बिठाने के लिए नए नए जुमले लेके आना, फ्री पानी फ्री बिजली ये सारे जुमले लोगों ने दे दिए और सब जगह जमानतें जब्त हुई है 4 लोगों के बाद। कुछ कहना चाहते हैं इसलिए वर्मा जी जैसे सीनियर IAS अफसर से मैं उम्मीद नहीं करता हूँ, स्वीडन का उदाहरण जोड़ना चाहता हूँ, स्वीडन की आबादी और IAS रहे हैं जी, सुजाता जी को बोलने दीजिए, नंद किशोर जी आएंगे आपके पास, सुजाता जी कुछ कहना चाहती हैं, नंद किशोर जी एक सेकंड प्लीज सुजाता जी। हम समझ ही नहीं रहे हैं कि ये हमारे लिए औरतों की मोबिलिटी के लिए कितना बड़ा सवाल है, उनकी सेफ्टी के लिए कितना फायदेमंद चीज है। आप सोचिए अभी 30% औरतें महिला ट्रेवलर्स हैं जो मेट्रो में सफर कर रही हैं, उम्मीद जताई गई है कि ये फेयर्स माफ करने के बाद वो 50% तक हो सकता है। आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि एक स्पेस में जब 50% औरतें वहाँ होंगी तो वो किस तरह से महिलाओं के लिए सेफ होगा, और अगर एक औरत की जेब में जो एक कामगार औरत है सुबह 6 बजे मारी निकलती है घर से, उसकी जेब में अगर कुछ पैसा बच जाता है तो ये उसकी ताकत है, ये उसकी एम्पावरमेंट है। हम सोच ही नहीं रहे इस बात को, और ये बहुत अजीब सा था जो श्रीधरन जी ने एक तर्क दिया कि उनके अकाउंट्स में पैसे डाले जाएं। हम जानते हैं मेरे आसपास कितने सारी महिलाएं हैं जिनके अकाउंट्स उनके हस्बैंड्स के हाथ में रहते हैं, उनके कार्ड उनके पतियों के पास रहते हैं, उनके पास अपने अकाउंट्स का कोई कंट्रोल नहीं रहता है जी। राजेश गुप्ता जी, रैपिड रेल के लिए पैसा नहीं दे रहे मेरे बड़े भाई, मेट्रो के लिए रिठाला से भाई साहब एक मिनट, भाई साहब नंद किशोर जी, भाई साहब एक मिनट, अभी आपने कंचन जी की बात सुनी, इन्होंने कहा कि लेडीज को मत दो स्टूडेंट्स को दे दो, स्टूडेंट्स को दे दोगे तब सब्सिडी नहीं है, तब बोझ नहीं पड़ता, मतलब इनकी बात मान जाओ, जो ये कहे बस वो मान जाओ, ये स्टूडेंट्स को दे दो आप सब्सिडी नहीं है, बात नहीं आप देना चाह रहे हो, ये कह रहे हमने लेडीज को दी है और दिल्ली में इसी तरीके से पढ़ने जाते हैं, हम दे देंगे कितने बीजेपी राज्यों में महिलाओं को लेकर योजनाएं हैं, तो क्यों नहीं आपकी पार्टी सरकार के साथ खड़े होकर कह रही है कि केजरीवाल का एक अच्छा कदम है, हम सब आपके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। नंद किशोर जी, क्या महिलाओं को फ्री राइड देने से बीजेपी पार्टी को प्रॉब्लम हो रही है? सब्सिडाइज करिए, मुझे कोई इतराज नहीं। नंद किशोर एक सेकंड, मैं नंद किशोर जी से यहाँ पर जानना चाहती हूँ, नंद किशोर जी बीजेपी अपने राज्य में काफी महिलाओं को लेकर स्कीम लाती है, तो अब जब दिल्ली सरकार लेकर आ रही है तो क्यों नहीं बीजेपी साथ में खड़े होकर कह रही है कि ठीक है हम सबका साथ सबका विकास कराएंगे और हमारी पार्टी आपके साथ है, क्यों आप स्टूडेंट्स और अपने अलग से क्राइटेरिया बना रहे हैं, क्यों क्या महिलाओं को फ्री राइड देने से कोई प्रॉब्लम है DTC और मेट्रो में, क्या इससे विकास नहीं होगा? फ्री राइड किस लिए दी जाए, नहीं क्या इससे विकास कैसे होगा, मुझे समझा देना, ये अब तक पहले क्यों नहीं किया? आज आखिरी 3 महीने में बुरी तरह हारने के बाद, जमानत जब्त होने के बाद तो। आज पहले फ्री बिजली का पानी का जुमले फेंके थे, फ्री मेट्रो का मेट्रो का आपने लेने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निकलेगी कहाँ करेगी, आप गरीबों को दीजिए है ना, आप उज्ज्वला देंगे तो वो घर में खाना बनाएगी, आप उसको घर से बाहर नहीं निकलने देने के लिए इंसेंटिव देना चाहते हैं, महिलाओं को कामकाजी नर्सिस को दीजिए, छोटा मोटा काम करने वालों को दीजिए, कोई इतराज नहीं, पर उनको आप डायरेक्ट बैंक में जब एक बात बताइए नंद किशोर जी, इतने सारे बैरियर होते हैं एक महिला को सार्वजनिक तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में, तो ट्रैवल एक बैरियर उसमें से खत्म होगा, देना मोदी जी ने नहीं करने दिया, क्या क्या महिलाओं के फ्री राइड और ट्रैवल से, नंद किशोर जी एक सीधा सीधा हां या ना में जवाब दे दीजिए, क्या महिलाओं के फ्री ट्रैवल से बीजेपी पार्टी को कोई दिक्कत है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं आप केजरीवाल के साथ खड़े हो रहे हैं, क्यों नहीं इस उनके स्टेप की सराहना करें कि केजरीवाल सरकार एक अच्छा कदम उठा रही है, देर से यहीं पर आई तो इसके अंदर यस नो की बात नहीं, कलकत्ता का फेल एक्सपेरिमेंट को दिल्ली में हमने सफल किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी साहिब सिंह वर्मा खुराना जी ने मेट्रो को शुरू किया और शीला दीक्षित ने उसको आगे बढ़ाया, इस व्यक्ति ने 4.5 साल में कोई मेट्रो के लिए कोई पॉजिटिव कदम उठाया हो तो गिना दें, तो अब उठा रहे हैं इसकी सराहना की बात, घाटे की बात कहां से आ गई नंद किशोर जी, अब उठा रहे हैं, अब कर दीजिए सराहना, फेलियर के बाद क्या कोई स्कीम नहीं आएगी, अब वेलफेयर एक फेलियर के बाद क्या आप दोबारा कोशिश नहीं करेंगे, यहां पर चर्चा जारी है महिलाओं की फ्री राइट को लेकर,
देश में ही एक ऐसा पक्ष है जो इसका विरोध कर रहा है, और इसी को सोचने वाली बात है जहां हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला को सार्वजनिक स्थल पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए एक ट्रैवल बहुत बड़ा बैरियर होता है, उसको जब हटाया जा रहा है तो देश का एक बहुत बड़ा पक्ष ऐसा है जो इसका विरोध कर रहा है, और यह सोचना बेहद जरूरी है। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। आर्कडेव यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आर्कडेव यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान, उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आर्कडेव यूनिवर्सिटी, गांधीनगर भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 1800-2700-320। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है, जरूरत है तो बस एक अच्छे गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। एडमिशन गाइडेंस फॉर कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कंप्यूटर, कॉमर्स, मैनेजमेंट, आर्ट्स, एजुकेशन, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, होम्योपैथी, लॉ एंड एग्रीकल्चर। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर, कॉल 9826293590। SRK University is one of the oldest university of Madhya Pradesh with well-qualified and experienced faculty. 25 सालों से मध्य प्रदेश की विश्वसनीय यूनिवर्सिटी। कोर्सेज ऑफर्ड इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, नर्सिंग, होम्योपैथी, डेंटल, पैरामेडिकल, PhD रिसर्च एंड अदर प्रोफेशनल एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। कॉन्टैक्ट 7024144981 और 828384। के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं राजनीति। महिलाओं की फ्री राइड को लेकर जो केजरीवाल सरकार ने इस बात का ऐलान किया था कि अब महिलाओं को फ्री राइड दी जाएगी, इस पर चर्चा जारी है और इसी पर विरोध भी हो रहा है। एक स्टेटमेंट नंदकिशोर जी से लेना चाहूंगी। नंदकिशोर जी, आदि आबादी को राहत देने वाली इस योजना में आप विरोध के पक्ष में क्यों आए? आपकी पार्टी सत्ताधारी पार्टी से है, इतनी बड़ी स्कीम का आप कैसे विरोध कर रहे हैं? क्या माइंडसेट है, क्या लग रहा है आपको, महिलाओं को फ्री राइड देना गलत है, हाँ या नहीं? कोई इसको भी यदि कोई स्कीम इसको बोलता है, लोगों को मूर्ख बनाने की बातें करने को स्कीम नहीं कह सकते। ठीक है, आगे मैं अब स्टेटमेंट, राजेश गुप्ता जी, देखिए सत्ताधारी पक्ष ऐसा कह रहे हैं कि आपको, आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, भरोसा नहीं है उनको। देखिए, आप जानते हैं कि ये इनको आदत है जुमले कहने की, इसीलिए इनको लगता है कोई भी काम कर रहा है तो वो जुमला होगा। लेकिन आपने देखा कि दो चीजें निकल के इसमें बिल्कुल साफ आ गई। एक तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं स्टूडेंट्स को दे देते, यानी कि इसका मतलब साफ है कि किसी भी किस्म की सब्सिडी के ये खिलाफ नहीं है। लेकिन इनको तकलीफ ये हो रही है कि कुछ महिलाएं निकलेगी। मुझे लगता है मानसिकता ये है कि महिलाएं घर से निकल के काम करेंगी, इस बात की बीजेपी को बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि महिलाएं अगर पढ़ जाएंगी, अगर वो नौकरी कर लेंगी, अपना घर संभालेंगी और अच्छे तरीके से, तो इनको दिक्कत होगी, क्योंकि लोग पढ़ेंगे तो इन्हें वोट देंगे। राजेश जी, एक बात समझाइएगा यहां पर, राजेश जी एक बात दर्शकों को समझाइए, तो भाई समर्थन कर दो। राजेश जी एक सेकंड, मेरा अक्सर क्या होता है अमूमन, पार्टियां जो है पहले रोडमैप तैयार करती हैं, उसका प्लान बताती हैं, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। पर आपकी पार्टी ने तो सबसे पहले एक लाइन बता दी कि हम महिलाओं के लिए फ्री करेंगे, कैसे करेंगे, DMRC उसके बाद रिपोर्ट भेज रही है कि क्या विकल्प है। ये सारा रोडमैप और ये विजन आपकी पार्टी के पास पहले ही नहीं था, और इसीलिए आप पर यह आरोप लग रहा है कि क्या ये सिर्फ चुनावी जुमला है, क्या सिर्फ चुनाव आने से पहले आम आदमी पार्टी ये कदम उठा रही है और एग्जीक्यूशन पर बाद में बात कर रही है, एक सुर्खियां बटोरने के लिए आम आदमी पार्टी ने ऐसा कदम उठाया, क्योंकि एग्जीक्यूशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो कोई केंद्र में बैठी हुई ढाई लोगों की सरकार तो है नहीं कि हमने रात को फैसला कर दिया और 8 बजे से नोट बंद कर दिए। नोट बंद करने के बाद में ये भी ना बताएं कितने वापस आए कितने नहीं आए। ये एक ऐसी पार्टी है जिसने आपके बीच में चीजों को रखा, आप जैसी बहनों के बीच में चीजों को रखा, जो कामकाजी लोग हैं उनके बीच में चीजों को रखा कि हम क्या करना चाहते हैं। एक हेल्दी डिस्कशन चालू हुआ, जो आज आप मुझसे पूछ रही हैं, जो जनता सुनना चाहती है, जनता बात करती है कि आप इसमें क्या करना चाहते हो। हो सकता है कुछ सुझाव आप मुझे आज दो जो बहुत अच्छे हो आपके लिए, हो सकता है कुछ उसमें शिकायतें निकल के आए।
तो ये तो एक एसके वर्मा जी, आगे दिल्ली सरकार इस योजना पर कैसे अमल करेगी, क्योंकि घोषणा तो कर दी गई है, विकल्प भी जीएमआरसी की तरफ से दे दिए गए हैं, पर कैसे इतनी तादाद में महिलाएं जाती हैं, इसका एग्जीक्यूशन कैसे लेगी? ये डेटा हर चीज हर लोगों के पास उपलब्ध होता है, मतलब डीएमआरसी के पास भी होगा कि कितनी महिलाएं ऑन एंड एवरेज कितनी महिलाएं ट्रेवल कर रही हैं डीटीसी में एज वेल एज दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन में। मेरा नहीं, जितनी भी महिलाएं होंगी और एवरेज भी निकल के आ जाएगा कि रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू कितना इन महिलाओं के माध्यम से इनको मिल रहा है डीएमआरसी को, और इसके साथ अगर फ्री करते हैं किसी राइड को तो मेरा अपना अनुमान है कि 10-20% राइड्स बढ़ जाएंगी, 10-20% बढ़ जाएंगे, उनको भी इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। और एक एवरेजिंग लेके हर महिला को अगर हम एक कार्ड उपलब्ध करा देते हैं विद ए लिमिट कि ये 4,000 रुपए तक का ट्रेवल इसका पूरे साल में फ्री रहेगा, इसी का तो क्लियरेंस हम दिल्ली सरकार से दिल्ली सरकार अगर नहीं होती। सुजाता आपसे जानना चाहूंगी, एक वर्ग ऐसा भी है, अगर आप सड़कों पर लोगों से बातचीत करें तो उनमें भी इसको लेकर एक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है कि महिलाएं, कुछ महिलाएं कह रही है कि यू नो वी आर इंडिपेंडेंट वी कैन अफोर्ड, पर उसके लिए दिल्ली सरकार ने यह भी किया है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप स्कीम को नहीं लें। पर कुछ अगर आप किन्नी पुरुषों से बात करो तो वो ऐसे करते हैं कि आप एक तरफ जेंडर इक्वालिटी की बात करती हो तो ये फिर सबके लिए क्यों नहीं किया गया है? आप जेंडर एक ये भी तर्क आ रहा है, बिल्कुल आप जेंडर जस्टिस को समझना ही नहीं चाहते, आप देख ही नहीं रहे कि आपके समाज में कितने जेंडर बायसेस पहले से मौजूद हैं। मैं जानती हूँ अपने आसपास की औरतों से, आप बात करके देखिए कि अगर वो अच्छे परिवारों से भी हैं तो अगर पीट रही हैं अपने घर में, लेकिन वही है क्योंकि किराए का पैसा नहीं है भागकर अपने माँ बाप के पास जा सकें। लड़कियों के पास कॉलेज जाने के लिए, मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती हूँ पेरिफेरी का कॉलेज है, बहुत सारी लड़कियाँ बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आती हैं पढ़ने के लिए, उनके कल से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं लगातार कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे पास ये सुविधा उपलब्ध होती तो हमें शायद और क्लास में आने का मौका मिलता। एक ऐसा वर्ग है जो डिसअपियर हो गया पूरे डिस्कोर्स में से, अदृश्य भारत है जिसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे, वो कामगार औरतें जो सुबह सुबह 6 बजे निकलती हैं त्रिलोकपुरी से और लाजपतना की कोठियों में जाती हैं काम करने के लिए, उनको अगर 6,000 कमाती हैं वो महीने में, उनका 2,000 आने जाने का बच जाएगा, तो आपको परेशानी क्यों है? ग्रुप भी पड़ेगा उसमें जो समर्थ महिलाएं हैं, मुझे समर्थ महिलाओं को डिस्कोर्स भी नहीं। नंदकिशोर जी एक सवाल आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी, जब दिल्ली सरकार इस योजना का खर्च उठा रही है तो क्यों विरोध कर रहे हैं आप? विरोध नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार वर्मा जी बजट के से मैं सारी जानकारी रखते हैं, सीनियर मोस्ट लोग हैं, बजट में कोई प्रोविजन अभी है नहीं, इस साल का बजट अभी रखना है 19-20 का, तो उसमें बताएं। फिर जैसे आपने कहा कि आप टोकन दे दें 4,000 की लिमिट का, 3,000 का, वो कोई स्कीम तो लेके आए, जुमला फेंक कर अक्टूबर नवंबर के अंदर चुनाव घोषणा हो जाएगी। आप इसकी सराहना कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया गया। हां नंदकिशोर जी, लोग मतलब कदम अच्छा है दिल्ली सरकार की तरफ से इसको देने में, मैं सहमत हूं नंदकिशोर जी, अच्छा कदम सरकार की तरफ से। ये नंदकिशोर जी सही कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटर प्लान नहीं है, नहीं मिलता वर्मा जी, हाउ टू एग्जीक्यूट, ये भी सवाल है। पर नंदकिशोर जी यू को नहीं मिलता क्यों? नंदकिशोर जी मतलब दिल्ली सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम, हाँ या नहीं? ने क्या कसूर किया? आप इस सवाल का आप शुरुआत से ही जवाब नहीं दे रहे, पिछले आधे घंटे से चर्चा जारी है पर आप अभी तक नहीं बोले कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये अच्छा कदम है या नहीं। आपने एग्जीक्यूशन पर बात कर ली, पर क्या दिल्ली सरकार की तरफ से ये अच्छा कदम उठाया गया है? आप इस बात नहीं, ये मूर्ख बनाने का कदम है, लोग मूर्ख नहीं है, ये कोई कदम नहीं है, लोगों को बेवकूफ मत समझो, लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। राजेश गुप्ता जी, एग्जीक्यूशन पर तो सवाल उठ रहे हैं। राजेश गुप्ता जी, तमाम सिर्फ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ही नहीं, तमाम लोग आपके एग्जीक्यूशन पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एग्जीक्यूट कैसे करेगी, और एग्जीक्यूशन और रोडमैप का ये जो तरीका था वो पहले क्यों नहीं पेश किया गया, उसके बाद इस बात की घोषणा की गई? एग्जीक्यूशन के लिए मेट्रो ने बता दिया है, मेट्रो ने बता दिया कि किस किस्म से अलग टोकन निकाले जा सकते हैं, मेट्रो ने ये बता दिया कि इससे कितना खर्चा आएगा, मेट्रो ने ये बता दिया कि इससे राइडरशिप इतनी बढ़ जाएगी और जब बढ़ेगी तो मेट्रो को फायदा होगा। इनको मालूम नहीं है कि 2017 मार्च में जो ऑक्यूपेंसी 40 लाख की होनी चाहिए थी वो अभी भी 25 ही है, तो वो बढ़ाने पहले ही खाली चल रही है, मेट्रो का इतना खर्चा बढ़े चला जा रहा है, इस वजह से किराया और बढ़ा रहे हैं, किराया बढ़ा के ये हालत बन गई है कि जो मिडिल क्लास आदमी है उसे यूज ही नहीं कर पा रहा।
तो ये जो बार बार बात कर रहे हैं और ये कंफ्यूज हैं, कभी कहते हैं सब्सिडी मत दो, फिर कहते हैं स्टूडेंट्स को दे दो, फिर कहते हैं लेट क्यों लेके आए, फिर कहते हैं ठीक है ठीक है भैया आप एग्जीक्यूशन का प्लान या फिर सीधे बात करो। एक है कि देश की महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं बाहर निकल के काम करें। राजेश गुप्ता जी आपके पास आएंगे, राजेश गुप्ता जी मैं किन्सी की एक रिपोर्ट आई थी 2018 में, उसमें ये लिखा गया था कि अगर भारत की महिलाएं वर्किंग ग्रुप में ऐड होती हैं तो भारत की जीडीपी में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। तो क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से दिल्ली की बात की जाए और तमाम राज्यों की भी बात की जाए, महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए अगर कोई कदम उठाया जा रहा है तो उसकी हमें सराहना करनी चाहिए? बिल्कुल, इसकी सराहना करनी चाहिए। और ये बहुत बात बिल्कुल सच है कि हम विमेन की एजेंसी को मानते नहीं है, हम समझते नहीं है कि जीडीपी में कितना मुनाफा होगा, कितना फायदा हमको होने वाला है और महिलाएं कितना बड़ा वर्क फोर्स है जिनको कि आप उज्ज्वला स्कीम देकर घर तक तो सीमित कर रहे हो, लेकिन उनकी मोबिलिटी को लेकर आप आलोचना उनकी लगातार कर रहे हो कि वो घर से बाहर निकल के काम नहीं करें। तो ये हमको देखना बहुत ज़रूरी है कि हम जेंडर फ्रेंडली सिटी बनाने की तरफ कभी सोच ही नहीं रहे। हमारे डिस्कोर्सेज में से जेंडर अपने एक मुद्दे के तौर पर गायब है, उसमें क्लास, कास्ट, रीजन, रिलीजन ये सब तो आप ऐड करते हो, लेकिन सिर्फ जेंडर अगर मुद्दा बनता है तो आप उसको सामने मंच पर आने नहीं देना चाहते हो, जबकि ये बहुत ज़रूरी है। यूएन ने 10 साल पहले ही, एक दशक पहले ही जेंडर फ्रेंडली सिटीज बनाने की के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था और हमारा शहर माफ कीजिएगा बहुत सारी सुविधाओं के बावजूद अभी ये बहुत शुरुआती सुविधा है, बहुत पहले इसको हो जाना चाहिए था। मैं तो मांग करूंगी पूरे देश में होना चाहिए। श्रीधरन जी ने अपनी चिट्ठी में जो लिखा है वो ये लिखा है कि इससे एक बहुत खराब प्रवृत्ति, ये डिजीज है, ये बीमारी है। एक आखिरी सवाल एसके वर्मा जी आपसे जानना चाहूंगी वेरी शॉर्ट में कि इस जो ये अगर स्कीम लागू होती तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे? देखिए दो चीजें हैं, आप पॉजिटिव में इसमें ये होगा कि जो एक तो सामाजिक सुरक्षा लेडीज़ की जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, नंबर एक। नंबर दो, घर से निकलने में और काम के उसमें स्पेस में जाने में उसको वर्किंग जो है उसको टाइम मिलना चाहिए, वो इंक्रीज हो जाएगा। और तीसरे जो DMRC है उसको तो कोई घाटा होना ही नहीं है, उसका तो पूरा पैसा रिम्बर्स जो है स्टेट गवर्नमेंट करेगी, वो दिल्ली सरकार उठाएगी। शुक्रिया एसके वर्मा जी, सुजाता, राजेश गुप्ता, आनंद किशोर जी, आप सबका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दिल्ली मेट्रो का जब से ऐलान किया गया था कि महिलाओं के लिए जो मेट्रो DTC की राइड्स है उसको फ्री कर दिया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है और सिक्योरिटी दिल्ली सरकार के मैनिफेस्टो में भी था, उस पर एक कदम उठाया गया है, उसका विरोध भी एक पक्ष में देखने को, देश के एक वर्ग में देखने को मिला है। पर एक सराहनीय कदम है जिसकी सराहना होनी चाहिए, पर एग्जीक्यूशन में अभी वक्त लगेगा और देखना होगा कि दिल्ली सरकार इसको आखिर कैसे एग्जीक्यूट करती है। इसी के साथ आज राजनीति में इतना ही, हम मंडे को फिर हाजिर होंगे किसी अहम मुद्दे के साथ। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।